हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा ले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों बहुत दिनों से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग सवाल पूछ रहे हो कि कौन सा तेल हम खाने में इस्तेमाल करें जिससे हमें अच्छी सेहत मिले हमारी त्वचा अच्छा रहे कंस्टिपेशन दूर हो जाए हार्ट अच्छा रहे और हमारी ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा जानकारी दूंगा ऑलिव ऑयल यानी जैतून की ऑयल के बारे में इसका क्या क्या प्रकार है और इसका इस्तेमाल दोस्तों कैसे करोगे जिससे आपको लाभ होगा कई एग्जाम्पल्स आज आपको दूंगा और किस तरीके से आप इसका बेहतर प्रयोग कर पाओगे वो भी दोस्तों आपको बताऊंगा तो जो लोग मुझे सवाल पूछे हैं उनका जवाब भी मिल जाएगा और जिन लोगों को नहीं पता है इस बारे में उनको आज पूरी नॉलेज भी दोस्तों हो जाएगी जैतून का तेल जो होता है दोस्तों ये जैतून के फलों से निकाला जाता है ये विटामिन मिनरल्स एंटी और कई अन्य अच्छे गुणों से दोस्तों भरपूर होता है अलिव ऑयल का वैज्ञानिक जो दोस्तों नाम है वो है ओलिया यूरोपिया इसका नाम है जबकि हिंदी में इसको जैतून का तेल बंगाली में इसको दोस्तों जलपाई तेल तेलुगु में जीता तेलम बल्कि कहा जाता है इसके साथ साथ दोस्तों अरबिक जो लोग होते हैं इसको जैत अल जैतून दोस्तों कहते हैं मराठी में इसको भी जैतून तेल दोस्तों कहा जाता है हम किसी भी लैंग्वेज में इसको प्रोनाउंस करें मगर इसका लाभ दोस्तों हजारों है सोनी हजारों है अगर आप थोड़ा से आज का वीडियो देखने के बाद माइंड थोड़ा चेंज कर लें अलग अलग ऑयल आप यूज कर रहे हो उसके मुकाबले कम तेल यूज करो क्वांटिटी कम कर दो तो आपका पैसा भी उतना ही लगभग खर्च होगा मगर आपको अच्छा हेल्थ दोस्तों मिल जाएगा खाने का स्वाद बढ़ेगा और पेट अच्छा रहेगा एसिडिटी गैस्ट्राइटिस खत्म हो जाएगी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल दोस्तों आप दो से तीन महीने के अंदर देखोगे नॉर्मल हो जाएगी जो हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर दवाई खा के भी कम नहीं होती है या फिर हम दवाई से आदि हो चुके हैं उनका प्रॉब्लम भी दोस्तों सॉल्व हो जाएगी साथ साथ यंग बच्चों से शुरू करके मिड एज तक जितने भी लेडीज हैं दोस्तों ऑलिव ऑयल का ऐसा आपको बताऊंगा तरीका जिससे आप अपना स्किन और ब्यूटी का बेस्ट केयर ले पाओगे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगी जो किसी भी क्रीम किसी भी तरीके का जो बाजार से आप सामान खरीदते हो ब्यूटी को निखारने के लिए उसकी जरूरत ही दोस्तों नहीं पड़ेगी दोस्तों कई लोगों की तो कन्फ्यूजन है कि ऑलिव ऑयल मतलब एक जैसे ही होता है ये कन्फ्यूजन दोस्तों मैं आज आपका दूर करता हूं अगर आप सोच रहे हो जैतून का तेल सिर्फ एक ही प्रकार का होता है दोस्तों आप गलत हो जैतून का तेल कई प्रकार के होते हैं खाना बनाने के लिए अलग होता है त्वचा और बालों के लिए अलग होती है और हमारी खूबसूरती निखारने के लिए और हमारी कंस्टिपेशंस को दूर करने के लिए और हार्ट वगैरह को बेहतर रखने के लिए भी जो डायरेक्ट हम लोग कहते हैं कि एक चम्मच ऑयल रोजाना लो जैतून का तेल या फिर ऑलिव ऑयल वो अलग होती है दोस्तों इसके बारे में थोड़ा पहले नॉलेज ले लीजिए अलीव ऑयल के बात करें तो एक्स्ट्रा वर्जित अलीव ऑयल सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल दोस्तों होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल की मात्रा अन्य जैतून के तेल से ज़्यादा होती है लेकिन इसमें एसिड की मात्रा दोस्तों कम होती है यह खाना बनाने के लिए पूरी तरह से सही है या नहीं ये अलग बात है या फिर ये थोड़ा हमें उलझन में दोस्तों डाल सकता है क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट कम होती है इसे अगर धीमे आंच पर पकाओगे तो जल जाने की दोस्तों खतरा रहती है इसलिए इसमें खाना बनाते समय थोड़ा सावधानी बरतनी होती है या फिर इसकी इस्तेमाल ही नहीं होती है मगर आप इसको टॉपिंग में इस्तेमाल कर सकते हो सलाद में इस्तेमाल कर सकते हो आप सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हो फलों के सलाद के ऊपर एक चम्मच आप डाल के पी सकते हो कई बारी मैं सजेस्ट करता हूँ नींबू पानी में आप डाल के भी एक चम्मच आप ले सकते हो एक चम्मच सीधा भी पी सकते हो या फिर आप चाहे दूध में भी डाल के एक चम्मच आप ऑलिव ऑयल रोजाना ले सकते हो कौन सा ऑलिव ऑयल ना एक्स्ट्रा वर्जित ऑलिव ऑयल आप इसको मौसमी के जूस के साथ भी दोस्तों ले सकते हो मतलब अलग अलग तरीके से आप इसको ले सकते हो मगर खाना बनाने के लिए जनरल कुकिंग के लिए दोस्तों इससे आपकी बात नहीं बनेगी ये क्योंकि एक्स्ट्रा प्योरीफाइड और बहुत बेहतरीन ढंग से इसका तैयारी किया जाता है तो मैं खाना किससे बनाओगे उसके बारे में भी अभी आपको जानकारी दोस्तों दूंगा ये थोड़ा दोस्तों महंगा है इसलिए आप चाहें तो इसे टॉपिंग के तरह सलाद सब्जियाँ और अन्य खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मैं आपको थोड़े देर पहले बताया अभी आपको मैं बताता हूँ वर्जित अलिव ऑयल वो जो बताया था आपको एक्स्ट्रा वर्जित था ये है बर्जित अली यह है वर्जित अलीव ऑयल यह अलीव ऑयल बहुत ही पॉपुलर है इसे खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसमें एसिड की मात्रा भी कम होती है इसे बनाने में किसी प्रकार के केमिकल का दोस्तों इस्तेमाल नहीं किया जाता वर्जित अलीव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जित अलिव ऑयल में थोड़ा फर्क है एक्स्ट्रा वर्जित अलीव ऑयल को दोस्तों टपिंग के तरह यूज किया जाता है लेकिन डीप फ्राई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता वहीं वर्जित ऑलिव ऑयल को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है साथ ही दोनों के स्वाद में थोड़ा अंतर भी होता है इसके अलावा यह एक्स्ट्रा वर्जित ऑलिव ऑयल से कम दाम भी होता है दोस्तों और एक होता है प्योर ऑलिव ऑयल दोस्तों यह रिफाइंड ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जित ऑलिव ऑयल का ही दोस्तों मिश्रण होता है इसमें पोषक तत्व की मात्रा अन्य ऑलिव ऑयल की तुलना में कम होती है क्योंकि इसको कोल्ड प्रोसेस तरीके से दोस्तों नहीं बनाया जाता है हालांकि आप इसे खाना बनाने में अगर इस्तेमाल करोगे बाकी तेल के मुकाबले ये आपको ज़्यादा पोषण देगा ये आपके हार्ट वगैरह को ज़्यादा तंदुरुस्त रखेगा ये आपके मांसपेशी को दोस्तों ताकत देगा आपके नसों को दोस्तों ताकत देगा आपके हड्डियों को दोस्तों मजबूत करेगा और इसमें बुरी चीज़ें दोस्तों कम है बाकी तेल के मुकाबले इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा ऑलिव ऑयल का आज से कुकिंग में इस्तेमाल करें और जैसे मैं आपको थोड़े देर पहले बताया कि आप इसको टपिंग के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे सलाद सब्जियाँ वगैरह या फ्रूट्स का जो जूस वगैरह पीते हो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो तो या डायरेक्टली भी दोस्तों ले सकते हो इसका हेल्थ बेनिफिट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा है खास करके जिन्हें वजन कम करनी है जिन्हें कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है जिनको आंखों में दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है आंख की रोशनी कम हो जाती है जो डायबिटीज़ के दोस्तों मरीज हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है उच्च रक्तचाप के लिए तो मैं पहले ही आपको बता दिया कि उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित लोग हो और बाकी ऑयल का बिल्कुल प्रयोग ही दोस्तों बंद कर दीजिए घर में आप देखोगे ऑलिव ऑयल का जैतून तेल का इस्तेमाल करके आप अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली दोस्तों कम कर लोगे कोलेस्ट्रॉल की दोस्तों क्या कहनी है कोलेस्ट्रॉल 400-500 तक भी अगर लोगों के पहुंच गई है उन्होंने सिर्फ तीन महीना तीन महीना एक एक चम्मच जैतून का तेल का इस्तेमाल करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को दोस्तों नॉर्मल कर दिए बिना दवाई के कोशिश करो दो महीना तीन महीना देखोगे आपको कितनी लाभ होती है जो ओल्ड एज के लोग हो खास करके जिन्हें अल्जाइमर बीमारी है या फिर उस बीमारी से पीड़ित हो तो ये उनके लिए रामबाण उपाय की तरह दोस्तों काम करता है आधी आधी चम्मच आप सुबह शाम लेकर देखिए ये दिमाग को बिल्कुल को बढ़िया कर देगा छोटे बच्चों का समस्या भी ठीक करेगा और खास करके जैसे अभी मैंने बताया ओल्ड एज में जो अल्जाइमर का समस्या होती है ये बीमारी से ठीक होने लगता है दोस्तों हड्डियाँ के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों मजबूत हड्डी पाने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए आप जैतून का तेल का इस्तेमाल करें शरीर में अगर हमेशा सूजन रहती है इन्फ्लामेशन रहती है दोस्तों ये बहुत ही लाभकारी है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो मैं इसको डिटेल्स में बताता इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होती है मगर जिनको गठिया की समस्या है ऑस्ट्रियो है रिमार्टेड आर्थराइटिस है दोस्तों उनको जरूर लेनी चाहिए हार्ट के मरीज यानी हार्ट ऑलरेडी समस्या हो चुका है उनके लिए तो फायदा बंद है जिन्हें हार्ट नहीं हुआ है यानी समस्या नहीं है उनको अभी से लेने की आदत करनी चाहिए कैंसर से दोस्तों ये बचाता है साथ साथ जिन्हें त्वचा की समस्या है पिंपल्स की समस्या है कील मुहा से हमेशा चेहरे में निकलते हैं कमी नहीं होता है मगर घर में तो खाना खाना होता है कोई सरसों के तेल से बनाता है खाना कोई रिफाइंड तेल से खाना बनाता है उसको थोड़ा सा भी स्टॉप कर लीजिए जिन्हें कील मुहा दोस्तों बहुत हो रही है खास करके माता बहने के लिए मैं बता रहा हूँ आप आज से ही जैतून का तेल का इस्तेमाल करें इसके साथ साथ दोस्तों याद रखो अगर आपकी बालों की समस्या है तो आप इसको हेयर में भी प्रयोग कर सकते हो हल्का हल्का मसाज कर सकते हो हेयर में और पूरी रात छोड़ दो अगले दिन इसको गुनगुने पानी से दोस्तों साफ़ कर लो मगर रोजाना आपको रात में जैतून की तेल लगानी है और अगले दिन इसको धो लेनी है चाहे आप गुनगुने पानी से धो लें या नॉर्मल वाटर से धो लें बाल का केयर करने लगेगा ये तेल इतना इससे पोषक तत्व तो आपको मिल जाएगी कि बाल काला भी रहेगा मजबूत होगा बाल झड़ना बिल्कुल दोस्तों ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ खास करके जो रूसी की समस्या खास करके रहती है यानी डैंड्रप की समस्या वो भी दोस्तों ठीक हो जाएगा इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा जैतून का तेल जो है उसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी रहता है हर एक चीज़ की होती है तो आप उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा अगर आपकी त्वचा ज़्यादा ऑयली है तो जैतून का तेल दोस्तों कम से कम आप इस्तेमाल करें जिनकी त्वचा अत्यधिक शुष्क यानी ड्राई होती है उनके लिए जैतुल का तेल दोस्तों भी कई बारी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल अगर करते हैं तब भी दोस्तों नुकसानदायक होता है इसके अलावा इसके उपयोग से ब्लड शुगर लेवल पर प्रभाव पड़ सकती है इसलिए अगर आप किसी को डायबिटीज़ है तो अलीव ऑयल का सेवन के साथ साथ नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराएं इसके अलावा अगर डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं तो इसके सेवन के पहले एक बार डॉक्टर से भी बात कर लें इससे एलर्जी की भी समस्या कई बार हो जाती है अधिक उपयोग से ब्लड प्रेशर भी प्रभावित हो सकता है गर्भवती महिलाओं के लिए या स्तनपान कराने वाली महिला ये तेल का सेवन करने के पहले थोड़ा डॉक्टर से सलाह ले लें इससे ज़्यादा सेवन से पेट की भी समस्या हो सकती है पतला पैंखना भी हो सकता है वो भी आप ध्यान रखिएगा ऑलिव ऑयल कैलोरी से भी भरा होता है इसका अत्यधिक अगर सेवन करते हो तब उसका हार्ट के ऊपर बुरा भी असर पड़ सकता है छोटे बच्चों पर जैतून तेल का उपयोग से पहले डॉक्टर का राय लें ऐसे कई सारी बातें कहा जाता है तेल को घाव वगैरह पर ना लगाएं ये सब प्रिक्शनरी दोस्तों बताया जाता है कोई भी चीज़ ये सिर्फ ऑलिव ऑयल के बारे में नहीं है हर एक चीज़ का साइड इफेक्ट लास्ट में थोड़ा बताना ज़रूरी होता है तो आप हर चीज़ का विवेक से काम लें और कहीं ज़रूरत पड़ता है तो डॉक्टरी परामर्श भी ज़रूर लें तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ आप बढ़िया काम जीवन में ज़रूर करो और मेरी जो किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड उस किताब को भी जरूर पढ़ें और इसको ऑनलाइन अमेजन से मंगाएँ साथ साथ हमने अमेजन पे आपका डीवी ट्रीटमेंट के लिए जो घर बैठ के आप होम ट्रीटमेंट करना चाहते हो इक्यावन बीमारी का डीवीडीज अवेलेबल करा दिए हैं आपका किताब तो है पहले से आप किताब का हेल्प लें डिवी डीज पेन ड्राइव यह सब का भी घर बैठ के हेल्प लेके अपना इलाज कर सकते हो इस कोरोना काल में अभी ज़्यादा बाहर ना निकलें अपना ध्यान रखें परिवार का ध्यान रखें और वीडियोज बुक्स और डीवीडीज पेन ड्राइव ये सब का हेल्प लेके अपना इलाज स्वयं करें बी और ओन डॉक्टर जो हमारी सपना है वो सपना दोस्तों साकार होगी उम्मीद करता हूं आप लोग सारे खुश रहोगे वीडियो को शेयर करें यार दोस्त के बीच में सबको लाभ हो सबका भला हो इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत